अरबाज, अरबाज, ये सब क्या है? लाइट ऑन करो, मुझे डर लग रहा है। क्या हो गया, क्या तमाशा कर रही हो? तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये, अंधेरे में रहने की आदत डाल लो। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, सुना तुमने? जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। आज अगर वो हाथ लग जाती ना तो वो हशर करता उसका, क्या ना पूछ तो। बॉस, अगर वो यहाँ से बरामद होती फिर आप पे एक मुसीबत आ जाती। बरामद होती तब ना, कहाँ से होती बरामद? सारी जिंदगी एड़िया भी रगड़ती रहती ना तो उसे सूरज देखना नसीब नहीं होना था। बड़े साहब ने मना किया, इलेक्शन तक खामोश रहो। क्या कर रहा है यार तू, क्या कर रहा है? मतलब बाबा की ख्वाहिश के पीछे मैं अपनी ख्वाहिशात मार दूं? ये जो लड़की है ना ईशा, मैं चाहता हूं कि मैं इसको अपना गुलाम बना के रखूं। और वो जो दो टके का वकील है उसको मैं अपने हाथों से जिंदा दफन करना चाहता हूं, तब आएगा सुकून मुझे। समझ आ? समझ आती नहीं लगी क्या? ये सारा का बैठे तुम यहां पे रह सकती हो, मैं जल्दी अपना कोई इंतजाम कर लूंगी। रिलैक्स हो जाओ यार, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? बताओ क्या हुआ? मलिक इस्तौल के गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे, मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के भागी हूँ। शायद तुम किसी वकील के घर में रह रही थी ना, वहां से क्यों निकली? और ये मलिक इजलाल, ये तुम्हारे पीछे क्यों हाथ धोके पड़ गया है? बताती हूँ, सब बताती हूँ। असल में ये तो बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ, तुम परेशान नहीं हो? जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। रिशा ने जो आज हरकत की है ना, अब मुझसे माफी भी मांगेगी तो किसी किस्म का रिश्ता नहीं रखूंगा मैं उसके साथ। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। सब इस बात पे हम मजीद बहस नहीं करेंगे, मुझे तो वो ईशा की टेंशन हो रही है, वो पता नहीं किस हाल में होगी। मुझे भी ईशा की बहुत परेशानी है, मलिक इजलाल तो मौके की तलाश में बैठा हुआ है, अल्लाह करे वो जिधर भी हो खैरियत से। हेलो, क्या? नहीं ठीक है, आप मुझे लोकेशन भेजें, मैं पहुंच रहा हूँ। जी थैंक यू। खैरियत? ईशा की लोकेशन ट्रैक हो गई है, बस दुआ कीजिएगा वो मिल जाए मामा। इंशाल्लाह। तुम रिलैक्स होके यहाँ रहो, सुबह सोचेंगे कि हमें क्या करना है। अच्छा सुनो, तुमने कुछ खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ किचन से। यार अभी तो मेस पे बंद हो गया होगा, मैं चाय बना के लाती हूँ, बिस्किट्स पड़े हुए, ठीक है? ये पकड़ो अपना कार्ड, हम देख के क्या करें, हम इतना पढ़ा लिखा होता तो यहाँ चौकीदारी करता।
ताला जिस लड़की की मुझे तलाश है वो इधर ही कहीं है। तुम वकील हो, मिनिस्टर नहीं हो कि हम तुम्हें अंदर आने। ताला तुम्हें बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? एक लड़की गुम हो गई है, उसको देखना है, उसको ढूंढना है। यार फिर वही मुर्गे का एक टांग, हमने बोला ये लड़की यहाँ नहीं आई है तो नहीं आई है। हमारा पास का आंख है, पास का हमारी आंख से बच कर कोई जा नहीं सकता। लाला ये देखो, इस लड़की का नाम ईशा है, गौर से देखो कहीं देखा तो नहीं है सर। भाई मैंने तेरे को बोला ना, ना इस लड़की को देखा है ना ये यहाँ आई। इस टाइम ये चौकीदार किससे लड़ रहे हैं? इधर नहीं आई है, तुमको हजार बार समझाया, तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आता? अच्छा हटो, मैं खुद जाके देख। तुम अंदर नहीं जा सकते, हमने तुमको बोला ना तुम अंदर नहीं जा सकते, क्यों हमारा नौकरी तेल करवाएगा? हाँ अच्छा मुझे तुमसे बात नहीं करनी, अपने किसी इंचार्ज को बुलाओ, उनसे बात करूंगा मैं। यार तुम भी कमाल का बात करते हैं, इस टाइम कौन सा इंचार्ज बैठा होगा तो तेरे से बात करेगा? हमने तेरे को बोला सुबह आ जाना, हम तेरे से बात करा देगा, मिलवा भी। अभी तुम जाओ, हमारा दिमाग का दही नहीं करो। लाला अभी तो जा रहा हूँ मैं, लेकिन जब सुबह होंगे ना तो पुलिस साथ आएगी मेरे, फिर देखता हूँ तुम और तुम्हारे डंडा क्या करते हैं। ठीक है जाओ। सुबह आना, इस इलाके में और भी हॉस्टल है, पहले उन हॉस्टल में देखना, उसके बाद मेरे पास। जाओ अल्लाह। पता नहीं कैसा कैसा लोग आ जाता, दिमाग खराब कर।